नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 9 विषय हिंदी विषयांक न्याय मंत्री। तो विद्यार्थी, आप गया वीडियो में आप जुं के सम्राट अशोक जो प्रजा एक राजा ने इमने एक न्याय मंत्री जोतो तो पोते एक गुनो करीने पोते छुपा विषय रहेवा लाग्या। अने जे न्यायमंत्री राखवामां आवे तो शिशुपाल, तो ये शिशुपाल जोड़े एक गुनानो न्याय करावो हतो। तो शिशुपाले पोतानी बुद्धिपूर्वक जे सम्राट हता, ये सम्राट ने एमने पोतानी बुद्धिथी पकड़ी पाड्या। अने हवे जोईए आपणे के सम्राट ने न्याय केवी रीते शिशुपाल आपे छे जोईए। तो दरेक विद्यार्थी पोतानी चोपड़ी में ध्यान आपे। तो ज्यारे गयो वीडियो पूरो थयो हतो एना पछीना नवा वीडियोनी अंदर आपणे जोईए। न्यायमंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया और कुछ सुना ही न हो। न्यायमंत्री ने वो भाव प्रकट करो कि कोई दिवस ते सांभरे पण नहीं होय। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, लेकिन इमने पोताना जे शब्दों हता इमने फरीथी बोलया। धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। लेकिन धनवीर देखे से शू, गुनेगार ने पकड़ी पारो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। लेकिन इतना में बीजे क्षण में सम्राट ना हाथ में हथकड़ी लागी गई। न्यायमंत्री ने कहा, लेकिन न्यायमंत्री ने कहूँ, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। लेकिन न्यायमंत्री बोला कि अशोक तारा ऊपर जो पहरेदार हतो चौकियात इने हत्या एना गुनेगार इना गुनेगार तमेज छो, आरोपी तमेज छो। तुम इसका क्या उत्तर देते हो कि तमे एनो शू जवाब आपो छो। सम्राट ओट काट कर रह गए। लेकिन सम्राट कुछ कशु पण बोलया नहीं। न्यायमंत्री ने फिर पूछा। न्यायमंत्री फरीथी पूछ्यू, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो, तो तमे आ गुनो स्वीकार करी लो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य, हाँ मैंने चौक्कस मार्यो छे, पर उदंड था, लेकिन ते अविवेकीय तो। सम्राट का उत्तर था, लेकिन सम्राट ने जवाब, वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। ले भले ते अविवेकीय तो या न तो, पर तमे एक राजना एक कर्मचारी ने हत्या करी छे। तुम अपराधी हो, लेकिन तमे गुनेगार छो। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता, लेकिन तमने मृत्युदंड आपवामां आवे छे। न्यायमंत्री ने निर्णय दिया, लेकिन न्यायमंत्री निर्णय आप्यो। सभा में सन्नाटा सा गया, लेकिन सभानी अंदर शांत थई गयुं। बधुं वातावरण बधा बोलता बंद थई गया, चुपचाप। न्यायमंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। न्यायमंत्री नो आ निर्णय सांभळीने सम्राटे पोतानुं माथुं नमावी दीधुं के न्यायमंत्रीए सरस एवो न्याय आप्यो के भले सम्राट होय पण एने एक गुनो कर्यो छे तो एमने सजा थवी जोईए। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे, लेकिन ते तो पोते शिशुपालनी आ परीक्षा में सफल थई गया। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। एटले के सम्राट नो हृदय आवा व्यक्तियों ने मेरवीने भाव विभोर थई गया। तभी न्यायमंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। लेके त्यार पछी न्यायमंत्री नो आ संकेत सांभळीने एक कर्मचारी सम्राट अशोकनी सोनानी मूर्ति लईने त्यां हाजर थई गयो।
न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, એટલે કે न्याय मंत्री ઊભા થઈને બોલ્યા, સજ્જનો यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, એટલે કે આ એટલે કે હું એ વાત સાચી છે કે હું न्याय मंत्री છું, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, पर ये पण વાત સાચી છે કે ગુનેગાર હોય તેને દંડ મળવો જોઈએ, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट है, परंतु अपराधी बीजू कोई नहीं पण પોતે स्वयं सम्राट છે। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, એટલે કે શાસ્ત્રોની અંદર રાજા ને ભગવાનનું રૂપ માનવામાં આવે છે, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है, એટલે કે એટલા માટે એમને ભગવાન જ દંડ આપશે। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ, એટલે કે અત્યારે હું એવી આજ્ઞા આપું છું કે सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, એટલે કે सम्राट ने चेतावनी આપીને એમને છોડી દેવામાં आवे, और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि एमनी जगह आ सोना की मूर्ति ने फांसी पर लटकावामां आवे, એટલે કે એ જોઈને લોકોને ज्ञान થાય, शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जय का जय जयकार कर उठे, કે न्याय मंत्री નો न्याय સાંભળીને લોકો जय जयकार करवा लागया। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, लेकिन जारी बधा जता रहा त्यारे शिशुपाले जे राजमुद्रा सम्राट अशोके आपी हती ए राजमुद्रा तेमने सम्राट अशोक ने परत आपी दीधी, तेमे सामे आपी दीधी। महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लो, એટલે કે महाराज तमे आ राजमुद्रा ने तमे लई लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, એટલે કે મારાથી આ ભાર ઉઠાવી શકાય તેમ નથી। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, એટલે કે એમને अशोक ने सम्मान भरी आँखों द्वारा એમને સામે જોઈને ભાવ વિભોર થઈને એમને કહ્યું, આપને મેરી આંખે ખોલ દી, કે આપ એટલે કે તમે મારી આંખો ખોલી દીધી છે, आपका साहस प्रशंसनीय, એટલે કે તમારું જે આ સાહસ હતું એ પ્રશંસાને પાત્ર છે। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता, એટલે કે આ ભાર તમારા વગર બીજું કોઈ ઉઠાવી શકે તેમ નથી। ન્યાયમંત્રી નિરુત્તર હો ગયેલે, ન્યાયમંત્રી બોલ્યા વગર ઉભા રહ્યા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે ન્યાય શિશુપાલે એવો ન્યાય આપ્યો કે ભાઈ ભલે આપણા રાજની સત્તાગર રાજ સિંહાસન ઉપર બેસીને રાજની દેખભાળ રાખતા હોય, તો પણ એમને જો ગુનો કર્યો હોય તો એમના જેવી કંઈક બીજી મૂર્તિ સોનાની બનાવી ને એ મૂર્તિને જો પ્રજાની સામે લટકાવવામાં આવે તો પ્રજાને પણ એવું થાય કે ભાઈ આપણે પણ જો આવો ગુનો કરશું તો આપણને પણ આવી હાલત થાય, આપણને પણ આ રીતે લટકાવી દે, એટલે એ જોઈને પ્રજા ત્યાંની સુધરી જાય। તો આ શીખવાનું છે, અત્યારે ન્યાય આવો હોવો જોઈએ। તો વિદ્યાર્થીઓ, પાઠ જોયો આપણે, તો ઘરે થોડુંક એનું વાંચન કરવું પડશે।